नसीर कादरी कलंदी साहब आप तशरीफ लाए। मैं पूरी अंजमन सुल्तानी बरादरान की जानिब से आपको दिल की अथागराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। उनके साथ साथ ही सना खान मुस्तफ़ा, मेहमान सना खान हाफिज मोहम्मद आमिर रजा अतारी कादरी साहब आप तशरीफ लाए। आपको भी अंजमन सुल्तानी बरादरान की जानिब से दिल की अथागराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सबके लिए खुशखबरी है, आपने पैना फ्लैक्सेस में पढ़ भी लिया होगा, दोस्तों से सुना भी है कि आज इंशाल्लाह बजरिया कुरानदाजी एक उम्र का मुकम्मल पैकेज है, ठीक है। और जो शख्स उम्र के लिए सरकार की बारगाह में जाने के लिए चुना जा चुका है, सिर्फ लबों पे नाम आना बाकी है, ठीक है। वो नाम लिखवाने के लिए, अपना नाम कुरानदाजी में लिखवाने के लिए इंतजामिया वालों ने एक माशाल्लाह एक सिस्टम बनाया है। ये कोपन नंबर, कोपन नंबर आपके पास होगा, इसी कोपन नंबर से आपको इंशाल्लाह कुरानदाजी में आपका हिस्सा डल जाएगा। और कौन खुश नसीब आज इसमें इंशाल्लाह अपना हिस्सा डालने के जाएगा। कोपन नंबर पूरी इंतजामिया वाले, जो जो भाई कोपन नंबर हासिल करना चाहता है, इंतजामिया वाले बंदे जगह जगह पे खड़े हैं, तमामी अहबाब कोपन नंबर जरूर हासिल करेंगे। और याद रखिएगा, ये कोपन नंबर चाहे चंद रुपए का है, लेकिन याद रखिएगा ये चंद रुपए आपकी किस्मत जगा सकते हैं, सरकार की बारगाह तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले कहा वो बंदा चुना जा चुका है जो सरकार की बारगाह में पहुंचना चाहता है, चुना जा चुका है, सिर्फ नाम आना बाकी है। मेरा मालिक सबको अल्लाह का घर और महबूब का दर देखने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर आज की महफिल से जाने वाले आज के रसूल आज के मदीना भाई मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब और उनकी पूरी टीम, खसूस मेरे बड़े भाई हाफिज मोहम्मद नादर अतारी साहब, जिनकी ढेरों काबशे हैं आज की वजह में माशाल्लाह, और उनके साथ साथ ही उनकी पूरी टीम, मेरी भाई मोहम्मद अरशद मुजद्दी लाइब्रेरी वाले, भाई मोहम्मद अशरफ मुजद्दी लाइब्रेरी वाले, और उनकी अहबाबो जिवकार अहले खाना, मेरी मुराद मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद नईम कबाड़िया, अब्दुल सत्तार साहब, अब्दुल रफीक साहब, मोहम्मद असलम रहमानी साहब, अब्दुल गफार साहब, और जितने नाम है मेरा मालिक जी, जिसने जानी तौर पर माली तौर पर इस वजह में अपना हिस्सा मिलाया, मेरा मालिक सबकी कावज को कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आज मैंने शुरू में ही महफल के स्टार्ट में ही मैंने पांचवा गेयर लगाना है, पहले दूसरे तीसरे चौथे गेयर की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सना खान बहुत ज़्यादा है। और इंशाल्लाह आज की मजहब जिनका रूहानी विजदानी खिताब होगा, आले नबी औलाद अली सूफी बासफ़ा कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा हजरत अलामा मौलाना पीर सैयद नूर नबी शाह जिलानी साहब। आज की बजम में माशाल्लाह जिनकी ढेर कावशे है, जिनकी दुआओं से माशाल्लाह दिन ब दिन इस बजम में तरक्कियां हो रही है, मेरी मुराद मेरे तायाजान हाफिज मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब, माशाल्लाह आप शुरू से लास्ट तक हर महफल को सुन के जाते हैं, दुआओं से दाद से नवाजते हैं, अल्लाह पाक सेहत की बादशाही के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। चौदहवीं सालाना अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा माशाल्लाह अंजमन सुल्तानी बरादरान के ज़ेरे तमाम अपने अरूज पे रवा दवा है। ये बातें होती रहेंगी, नाम होते रहेंगे, हाँ एक बात है, ये बज़्मे मैं है जामे गम नहीं है, आका की महफल में कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। जितने बाप आए हैं अब तक आप ढीले ढाले होके बैठे हैं, मैं जरा ठीक है, आप मेरे बाप हैं, मेरे परिवार हैं, जानने वाले हैं, ये सब चेहरे मैं जानता हूँ, हाँ मैं अपनी तर्ज का नकीब हूँ, ना चुप रहूंगा मैं, रहने दूंगा, जहाँ पे आप खामोश हो जाएंगे मैं भी वहीं पर चुप हो जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ आज की रात कौन यहाँ पे सिर्फ इंतजामिया वालों को मुंह दिखाने आया है या सरकार की बजम सजाने आया है, हाथों को उठा के नारे का जवाब देकर बताएं, भाईजान हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए, नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, हाथों को उठा के नारा है तकबीर, नहीं नहीं नहीं, जिसका हाथ सलामत है गाजी अब्बास के कटे हाथों का सदका, दोनों हाथों को उठा के बोलेगा नारा है तकबीर, क्या बात है, नारा है रिसालत, नारा है रिसालत, नारा है तहकीक, नारा है हैदरी, नारा है हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आपने दो बार कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद, ये मेरे अकीदे का नारा है, जिसके अकीदे का नारा हो हाथों को उठा के बोलेगा ताज दारे खत्मे नबूवत, ताज दारे खत्मे नबूवत, ताज दारे खत्मे नबूवत। आइए इमाम जिलकार, मैं सिर्फ चार अशार पढ़ के फौरन ही अगले सना खान के हवाले माइक करने वाला हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा जरा, कह रहा हूँ जिस शख्स का नाता मेरे नबी से जुड़ा है, जिस शख्स का नाता मेरे नबी से जुड़ा है, मुबारक हो उसे माहे रबीउल अव्वल चढ़ा है,
मुबारकों से माहे रबीउल अव्वल चढ़ा है। आमद हो गई जमाने में उस नबी की, आमद हो गई जमाने में उस नबी की। वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला शरई कसम उठा के कह रहा हूँ, जो बंदा यहाँ पे खसूसन सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है या फिर दोस्त बाप के साथ आया है, उस बंदे को बिल्कुल भी दावत नहीं है। इसको अपने बेटे की, भांजे की, भतीजे की आने की खुशी कर सकता है, वो सरकार की आमद पे कैसे बोलेगा? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो सरकार की शान सुन के समझ के हाथ उठा के बोल सकता है, रब ने जुबान दी है, गूंगा पैदा नहीं किया, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए जुबान से सुभानअल्लाह की सदा ऐसी आए, जमीन का जरा जरा गवाही पेश करे, मुझ पे कोई दुनियादार नहीं बैठा, जो भी बैठा है आपका वफादार बैठा। ठीक है, तवज्जो के साथ चौथा मिस्ता सुनिएगा, हक लगे तो सुभानअल्लाह कहना वरना खामोश रहना। कह रहा हूँ जिस शख्स का नाता मेरे नबी से जुड़ा है, मुबारक हो उसे माहे रबीउल अव्वल चढ़ा है, आमद हो गई जमाने में उस नबी की, उम्र 63 बरस मगर जमानों से बड़ा है, उम्र 63 बरस, उम्र 63 बरस मगर जमानों से बड़ा है, उम्र 63 बरस मगर जमानों से बड़ा है, तख्तों ताजों कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है, उसकी आंखें तो रश के सावन है, जिसकी आंखों में नम नबी का है, उसकी आंखें तो रश के सावन है, जिसकी आंखों में नम नबी का है, खुला ये राज शबे में राज यारो, कायनात के सीने में दम नबी का है। आज की बदल के हमारे मेहमान फनकान मीठी सुनी शक्कर रवेज आवाज के मालिक भाई मोहम्मद असद किलानी साहब, आप स्टेज की जिन्नत बनिएगा, आज आज भाई मोहम्मद असद अली किलानी साहब आप इसी लाए, मैं अंजमन सुल्तानी प्रादान की जानिब से दिल की अथाक राइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मरहबा जी आया नो सल्लि बिस्मिल्लाह, जितने बाप आए मेरा मालिक सबका आना अपनी अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा, तख्तों ताजो कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है, उसकी आंखें तो रश के सावन है, जिसकी आंखों में नम नबी का है, मेरी अपनी तो कोई बात नहीं, मेरी अपनी तो कोई बात नहीं। हाफिज आमर रजा अतारी साहब भाई मोहम्मद ताबर नसीर कंदी साहब, ये आपके दिल की बात है, हाफिज साहब आपके दिल की बात है, हर आशिक रसूल के दिल की बात है। अब जिसके दिल की बात हो ना, जिसके दिल की बात हो वो मिसरा सुन के हाथ जाके इतना ऊंचा बोले मुझे पता चल जाए नबी के आशिक जाग के बैठे हैं। बच्चों के साथ सुनिएगा, तख्तो ताजो कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है, उसकी आंखें तो रश के सावन है, इसकी आंखों में नम नबी का है, मेरी अपनी तो कोई बात नहीं, मेरी अपनी तो कोई बात नहीं, मुझ में सारा करम नबी का है, मेरी अपनी तो कोई बात नहीं, मुझ पे सारा करम नबी का है। आओ जिनकी हर एक बात करी ना उनकी बात करें, खुशबू खुशबू जिनका पसीना उनकी बात करें। गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए इन्हीं अशार के आगोश में दावत ना दे रहा हूँ कलंदरी रंग और ढंग के साथ पढ़ने वाले मेरे बड़े भाई, बड़ी ही खूबसूरत आवाज अंदाज के साथ सरकार की बारगाह में नौकरी पेश करते हैं मेरी मुराद भाई मोहम्मद ताबश नसीर कादरी कलंदरी साहब जी लाते हैं, अपनी खूबसूरत आवाज अंदाज के साथ गुलहाय अकीदत पेश करते हैं। हाँ एक बात याद रखिएगा, आज मेरा दिल चाह रहा है, ये आपने एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा, फ्रांस वालों ने खाके बनाकर सरकार की शान में गुस्ताखी की है, उन्हें एक पैगाम देना चाहते हैं। और हाँ ये पूरी आज की बजम अताए मदीना साउंड सिस्टम के पेज से लाइव चल रही है, ये पेज से इंशाल्लाह पैगाम जाएगा आशिकों तक, पता चलेगा कि गुस्ताखों तक पहुंच जाए ये आवाज़। इंशाल्लाह एक नारा लेके आया हूँ, वो नारा इंशाल्लाह जहाँ वक्त मिला कम वक्त में इंशाल्लाह वो नारा पेश करूँगा। फिल वक्त जितने बाप बैठे हैं मैं इंशाल्लाह यार फौरन ही बिला तखीर दावते ना दूँ। जी मैंने बता दिया है अताए मदीना साउंड सिस्टम के पेज से, माशाल्लाह ये आज की 14वीं सालाना अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा लाइव चलाई जा रही है, और पूरी दुनिया में आप सब जो आशिकाने रसूल यहाँ पे बजम सजा के बैठे हैं, सारी दुनिया वाले आशिक रसूल आपको देख रहे हैं। फिल वक्त आप इस्तकबाल करें सनखान मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद ताबश नसीर कादरी गंदी साहब हाथ को उठा के ये नात की सूरत में नौकरी पेश करेंगे, आप नारे की सूरत में नौकरी पेश फरमाइएगा। नारे तकबीर
नारे तकबीर। जड़ा बंदा रात दी रोटी खा के आया ओ उच्च बोले बाकी दी अपनी मर्जी है, नारे तकबीर। माशाल्लाह जितनी तादाद है अभी आवाज थोड़ी आवाज को बढ़ाइए, मनारा आगे लेके जाओ, नारे तकबीर। स्टेज से आवाज नहीं आ रही, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने को जागती आंखों से 70 से ज़ायद मर्तबा हजूर की ज़ियारत हुई है। आप फरमाते हैं जिस महफल की इब्तिदा अच्छी हो जाए उसकी इंतहा भी अच्छी होती है, और जोक हमेशा स्टेज की से पंडाल की तरफ जाता है। स्टेज वाले भी तो हाथ को उठा के बोलेंगे तो इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा। नारा रिसालत, नारा रिसालत। स्टेज वाले शुक्र अदा करें रब्बे कायनात ने आपको मिंबर रसूल पे बिठा दिया है, और मिंबर रसूल पे खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ फूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। भाई मोहम्मद ताबश नसीम कादरी कलंदरी। एक दफा बिलावल भाई के लिए कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हर साल की तरह इस दफा भी इमरान भाई ने और इनके हम नवा मेरे भाई बिलावल नजीर नक्शबंदी नादर भाई ने मेरे आका सलातो सलाम की बड़ी प्यारी नूरानी वजदानी महफिल का इनकाद किया है। अल्लाह ताला इनका यह मिलाद मनाना कबूल मंजूर फरमाए, और मेरा पढ़ना और आप सबका भी सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तमाम आशिकान रसूल झुम झुम के दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।